हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ के बारे में बात की थी, तो आपको लास्ट वीडियो से ही एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? तो आपके ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, नैन्सी बंदायूनी और अबुल फजल। ठीक है, तो कम बच्चे जो हैं वो आंसर देते हैं, तो आप सभी बच्चे जो हैं वो आंसर दिया करिए। मैं सबके कमेंट देखती हूँ। ठीक है, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ का राठौर वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों का राज्य स्थापित हुआ। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेवाड़ जो है वो किस क्षेत्र को कहा गया, राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ये कहा गया मेवाड़। ठीक है, और राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो मारवाड़, जहां पर राठौड़ के राज्य स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है, सभी अलग अलग मान्यता देते हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये राजा बृहदवल से पैदा हुए, कुछ कहते हैं कि सूर्यवंशी है, जिसमें दयालदास जी कहते हैं सूर्यवंशी है। ब्राह्मण भल्ल राव की संतान इन्हें बताया गया है, और नैन्सी क्या कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा, और कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। तो यहाँ पर आपको दो बातें जो है वो याद रखनी है, और वो क्या कि नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया, वही कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें क्या बताया, सूर्यवंशी। तो ये दो लाइन आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि मेवाड़ जो है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है मेवाड़, और उत्तरी और पश्चिमी भागों में मारवाड़ या राठौड़ स्थापित हुए। ठीक है, चलिए। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हुए। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जोधपुर और बीकानेर किसमें आते हैं, मारवाड़ में आते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध हुए राठौड़ जोधपुर और बीकानेर के। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सीहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सीहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सीहा ने मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो देखिए, जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष जो हैं वो कौन है, सीहा। इन्होंने मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना की। तो संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं राठौर राज्य के, सीहा। राव चूंडा, अपने साहस और कूटनीति से राव चूंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया। पूंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया, और उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में निर्माण करवाया। किसका, चांद बावड़ी का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीहा ने मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना की, लेकिन राव चूंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया, और राव चूंडा की जो पत्नी थी चांद कंवर, इन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में करवाया। रट लीजिए, चांद बावड़ी जोधपुर में है, चांद बावड़ी जोधपुर में है, जो कि राव चूंडा की पत्नी चांद कंवर ने बनवाई। नेक्स्ट है राव रणमल। तो राव रणमल वही है जो हमने जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे तो वहां देखा था कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है वह किससे कर दिया था, मेवाड़ के महाराणा लाखा से। और क्या शर्त रखी थी, ये शर्त रखी थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा तो वही उत्तराधिकारी बनेगा मेवाड़ का।
रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए, तो इस वजह से वो मेवाड़ गए थे। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, और जो कि विवाह जो होना था राणा लाखा के बेटे राव चूंडा से, लेकिन हुआ किससे? राणा लाखा से ही हो गया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनाने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें जो हैं वो हम पहले कर चुके हैं, अंडरलाइन भी कर चुके हैं, यहाँ आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है। यहाँ आपको याद बस इतना करना है, राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी का समय है, और इनकी मृत्यु जो है ये उनकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ सामंतों ने कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है राव जोधा 1438 से 1489। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। ठीक है, तो मारवाड़ के राव रणमल इनका पुत्र कौन था? राव जोधा। तो ये लोग जो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ अपने नाम के आगे लगाते थे राव। ठीक है, राव चूंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जोधपुर नगर किसने बनाया, किसने बसाया? राव जोधा ने। तो ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, बस डेट आपको याद रखनी है कि जोधपुर नगर जो है वो 1459 में राव जोधा ने बसाया, और राव जोधा जो है वो राव रणमल के ही बेटे थे। राव जोधा ने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूप पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि चिड़ियाटूप पहाड़ी पर दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़। ठीक है, गढ़ जो है गढ़ का अर्थ ही होता है दुर्ग, तो यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग, दुर्ग लगाना सही नहीं होगा, यहाँ पर गढ़ का अर्थ ही है दुर्ग। मेहरानगढ़ जो है वह चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है और इसे बनवाया राव जोधा ने। ठीक है, जिससे कि उनकी राजधानी जो थी वो सुरक्षित रहे, और उनकी राजधानी कौन सी थी? उन्होंने अपनी राजधानी जोधपुर बनाई थी। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक जो किसने माना? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट है राव मालदेव 1531 से 1562। तो यहां पर देखिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। राव मालदेव ने खानवा की युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा की युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था, इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जिनको क्या बोलते हैं? रूठी रानी। ठीक है, इनको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूठी रानी जो है वो किने कहा जाता है, रूठी रानी किने कहा जाता है? तो किने कहा जाता है? रूठी रानी कहा जाता है राव मालदेव की पत्नी उमादे। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव और उमादे के संबंध जो है वो बिगड़ गए, और वो रूठ कर कहाँ चली गई? अजमेर के तारागढ़ में।
वहां पर रही। इतिहास में इसीलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रूठ क्यों गई थी ये आपको बता दिया है। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में इनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव वह राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 से 40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के बाद शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। इस वजह से हुमायूं को संरक्षण जो है वो किसने प्रदान किया था, मालदेव ने प्रदान किया था। 1543 से 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसने उसके जो सेनापति थे जैता और कुपा, इन्होंने जनवरी 1540 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1540 ईस्वी में गिरी और सुमेल का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में होता है। वो होता है जैता और कूपा, जो कि मालदेव के सेनापति थे, और दूसरी तरफ था शेरशाह। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, गिरी और सुमेल का युद्ध, और इस युद्ध में ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से शेरशाह जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध जीत पाता है। तो उसके लिए वह लाइन कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो इस लाइन को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए, शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर, मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। देखिए, कोई भी चीज हम नई नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले आरबीएससी की 6 से 10 तक की कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री, तो वहां हम इन सब चीजों को देख चुके हैं, तो कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। ये समझिए, आपकी तो रिवीजन ही चल रही है। राव चंद्रसेन, राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निकाल दिया। ठीक है, राज्य से निकाल दिया। तो उसने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपने उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन जो है उनके दो भाई थे। ठीक है, राव मालदेव के जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे राम, उसके बाद थे उदय सिंह, और उसके बाद थे राव चंद्रसेन। लेकिन मालदेव ने उत्तराधिकारी किसे बनाया, अपने तीसरे बेटे राव चंद्रसेन को। तो भाई, जो दो बड़े भाई हैं वो तो नाराज होंगे ही, तो इसमें से जो राम था वो अकबर की शरण में चला गया 1564 ईस्वी में। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो इस लाइन को आप जानते हो, इसे हम याद भी कर चुके हैं कि हुसैन कुली खां को 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार के लिए भेजा था अकबर ने 1570 ईस्वी में। अब देखिए, अब ये नागौर दरबार जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचे। कब? 1570 में। मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। अब देखिए, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, जिसमें सभी राजपूतों को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। ठीक है, तो वहां पर सभी आए, अकबर की अधीनता स्वीकार की। जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी तरीके से यहाँ पर
जो चंद्रसेन थे उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, जब जोधपुर प्राप्त करने की आशा से जो चंद्रसेन थे वो पहुंचे नागौर दरबार में, लेकिन उन्होंने तो देखा कि राम और उदय सिंह ये तो अकबर की तरफ हैं, वह उनका जो झुकाव है वो अकबर की तरफ है, तो नागौर छोड़कर वो चले गए और संघर्ष का रास्ता अपना लिया। तो जोधपुर में अधिकारी जो है वह अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त कर दिया। तो इसको याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है अकबर का नागौर दरबार 1570 में लगा और अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भाद्रजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी का भाग दुर्गम थे, वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथ ही थे। तो जो राव चंद्रसेन थे वो जोधपुर से कहाँ चले जाते हैं? शिवाना। शिवाना चले जाते हैं, काफी टाइम तक वहां पहाड़ी भागों में वहां रहते हैं। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास ये चंद्रसेन के साथी थे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनके जो साथ में रहने वाले थे उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के क्या थे? साथी थे। मुगल सेनाओं ने उन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। उसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वो रामपुरा की पहाड़ियों में चले गए। सबसे पहले वो शिवाना गए, उसके बाद वो रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने बड़े पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन होगा, बादशाह ने सेना में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। अब अकबर ने और सेना बढ़ा दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ तो न आ सके। शिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कान्हूजा के पहाड़ों में चले गए। पीपलोद और वहां से कहां चले गए? कान्हूजा के पहाड़ों में। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण दी। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको चंद्रसेन के बारे में इस पैराग्राफ में क्रम पूछा जा सकता है कि उन्होंने शरण जो है कहाँ कहाँ ली। सबसे पहले जोधपुर छोड़कर शिवाना, शिवाना से वो कहाँ चले गए? रामपुरा के पहाड़ों में। फिर पीपलोद और वहां से काड़ूजा के पहाड़ों में गए। उसके बाद सिरोही और डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में शरण ली। 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। तो हमने देखा राम और उदय सिंह जो थे वो किसके भाई थे? राव चंद्रसेन के। ठीक है, राव चंद्रसेन के थे। तो जोधपुर का शासक जो है अब किसको बना दिया गया? उदय सिंह को। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। अब ये चीज आप याद रखिएगा, 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई, इसका विवाह जो है वो जहांगीर से कर दिया था उदय सिंह ने। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ। कौन है खुर्रम? शाहजहां। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसब बनाया गया। तो ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह और अपने विवाह हेतु बूंदी में थे।
गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने पर निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया, खिलहत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से उसे सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब मिला तथा 4,000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष थी, बादशाह ने आसोप ठाकुर रासिंह कुंपावत को 1,000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो यहाँ पर आपको बस यही चीज याद रखनी है कि गज सिंह के बेटे का नाम था जसवंत सिंह। तो जैसे ही गज सिंह की मृत्यु हो जाती है तो बादशाह शाहजहां के द्वारा जसवंत सिंह को आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महाराणा जसवंत सिंह के समय जो मुगल सम्राट थे वो थे शाहजहां, और जसवंत सिंह के पिता का नाम था गज सिंह। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। याद रखना है कि उत्तराधिकारी के युद्ध जो कि 1557 से 58 तक चला, इसमें जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किसका साथ दिया? दारा का। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की विजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं। लेकिन ये तो हार के आए थे, इसीलिए उदयपुरी रानी ने किले के द्वार जो खोलने से मना कर दिया। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने को तैयार भी होने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह ने आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मन मुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तो पहले तो जसवंत सिंह और औरंगजेब इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज्यादा क्या था, मन मुटाव था। तो ये सब कहते हैं श्यामल दास। ठीक है, तो उस वजह से ही मनमुटाव होने के बाद जब वो युद्ध से हार कर जसवंत सिंह आ गए थे तो उसके बाद जो उदयपुरी रानी थी उन्होंने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजपूत केवल जीत कर ही आते हैं, हार कर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कहानी है ये श्यामल दास जो है वो केवल मान्यता देते हैं इसकी। बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है खजुआ के मैदान में, लेकिन फिर भी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से संधि सी कर लेते हैं। ठीक है, 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया, बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है और वो ये है कि 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा गया, किसकी सहायता करने के लिए? शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए। याद हो गया आपको कि शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए किसे भेजा गया था? जसवंत सिंह को भेजा गया था। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास ये प्रसिद्ध थे। तो विद्वानों के नाम जो हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मोहनोत नैन्सी जो थे वो किनके मंत्री थे? जसवंत सिंह के, मारवाड़ के जसवंत सिंह के मंत्री थे मोहनोत नैन्सी। नैन्सी
ने नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथों की रचना की। ये पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए, आपको ये पूरा याद रखना है कि मुहूर्त नैन्सी किसके मंत्री थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह कौन? मारवाड़ के जसवंत सिंह। इनकी दो ग्रंथ कौन से हैं? नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा विद्वान सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास, इनको याद रखना है। और मारवाड़ के विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह को। तो आज हम वीडियो जो है यहीं तक करेंगे। आज हमने कंप्लीट मारवाड़ कर लिया है, एक ही वीडियो में आपके पूरा मारवाड़ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बीकानेर के जो राजवंश के जितने भी प्रतापी शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। वीडियो यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार करिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका टेस्ट होगा, तो ध्यान से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।